प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ थोड़ा बात बताऊंगा, फिर उसके बाद में आप लोग भी बताइएगा। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी खुजली हो रही है, इचिंग हो रहा है, तो कुछ कुछ आयुर्वेदिक चीजें मैं बताऊंगा और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर करूंगा। अगर शरीर पे जहां पर भी खुजली हो रही है वहां पे अजवाइन जो होता है, ओवा अजवाइन, उसका धूम ऐसे करें तो उससे खुजली इमीडिएट ही ठीक हो जाती है। या नीम का पत्ती जो है उसको, उसका धुआं लेना है जहां पर भी इचिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, जैसे सोरियासिस है या कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है जहां इचिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उससे भी खुजली जो है वो ठीक हो जाता है। या गोमूत्र से नहाने से खुजली ठीक हो जाता है, या फिर गोमूत्र में कपूर मिलाकर और पूरे बॉडी में लगाना है तो उससे भी खुजली ठीक हो जाता है। या जो चमेली का तेल होता है, जैस्मिन का ऑयल होता है, उसमें कपूर और नींबू का रस मिलाकर बदन पे मालिश करना है, खुजली ठीक हो जाता है। या जो पोस्ता होता है, पोस्ता की डोड़ी 50 ग्राम, नीला थोथा जो होता है सस्यक, वो 5 ग्राम को 2 किलो पानी में उबालना है। उबालते उबालते 2 लीटर पानी 1 लीटर बन जाए, उसको लेके पूरे बॉडी में मालिश करना है, उससे खुजली ठीक हो जाता है। इसी तरह से 20 ग्राम गंधक लेना है, 10 ग्राम नारियल तेल लेना है और 250 ग्राम दही में मिलाकर धूप में लगाकर और धूप में बैठना है पूरे बॉडी में लगाकर, और फिर गर्म पानी से नहाना है तो खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से शुद्ध गंधक 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, इलायची 5 ग्राम, वंशलोचन 10 ग्राम को पीस कर 20 पुड़िया बना लेना है और एक एक पुड़ी सुबह शाम खाना है। इससे खून साफ होकर पूरी तरह से खुजली जो है, इचिंग है, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से अर्क के पत्ते रहते हैं, उनको गर्म करके 4 चम्मच रस निकालना है, उसमें 5 ग्राम गंधक डालना है और 2 ग्राम नीला तोता सस्यक डालना है, और लगाने के बाद उसको पूरे बॉडी में लगाना है, धूप में बैठकर लगाना है, फिर गर्म पानी से नहाना है। इससे खुजली वगैरह जो है सब ठीक हो जाता है। फिर इसी तरह से हड़ताल 10 ग्राम, मनशिला 10 ग्राम, नीला थोथा 10 ग्राम, मृदाश्रृंगी 10 ग्राम, मृदाक्ष जो रहते हैं वो, सिंदूर 10 ग्राम, गंधक 5 ग्राम, सुहागा 5 ग्राम और तिल का तेल 200 ग्राम, इसको मिक्स करके और उसको लगाना है, उससे भी खुजली ठीक होता है। 25 ग्राम आंवला को कूट कर, 20 ग्राम जो देसी शक्कर होता है, चीनी या ब्राउन शुगर जो बोलते हैं, उसमें डाल के उसको खाना है, 7 दिन तक लेना है। आंवला और वो जो भूरा होता है भूरा, उसके साथ लेना है, और नमक मिर्ची खटाई तेल गुड़ नहीं खाना है तो ठीक हो जाता है। खदीर का लकड़ी का चूरा लेना है, उसमें घी मैदा और शक्कर मिलाकर पूरे बॉडी में लगाना है, उससे भी ठीक होता है। या 10 ग्राम कलमी सोरा लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट, और 10 ग्राम गंधक को पीस कर अर्क के पत्तों के रस में मिलाकर खुजली पे लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा फायदा होता है। या 250 ग्राम तेल, 80 ग्राम सिंदूर, 20 ग्राम सफेद जीरा मिलाकर गर्म करके खुजली पे लगाना है, तो उससे भी ठीक होता है। या सड़ा हुआ नारियल का गिरी होता है वो लेना है, आंवला सार गंधक लेना है, सस्यक लेना है, कपूर लेना है, सभी को लेकर खुजली के जगह पे लगाना है तो लाभ लाभ होता है। या जो एरंड का मिंगी होता है उसको छील कर दही में पीस कर लगाने से भी खुजली ठीक होता है। ये जो मैंने बताया है इसका मैं पीडीएफ दूंगा, आप लोग प्रयोग करिए और हमें बताइएगा। अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जो लोग भी बोलना चाहते हैं कृपया अनम्यूट करिए और यहाँ पे हम बात करेंगे। डॉक्टर हरिहर सर, सर वो इनफर्टिलिटी वाली का केस टेकिंग करने हाँ तो इनफर्टिलिटी वाले केस का, शशि तिवारी मैम आप केस टेकिंग करेंगी मैम? फीमेल पेशेंट का अगर कोई फीमेल डॉक्टर करें, लेडी डॉक्टर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है केस टेकिंग। सर आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हरिहर सर वीडियो ऑन करिए। हाँ कर रहा हूँ शशि मैम अगर आप सुन पा नमस्ते रही हैं तो कृपया केस टेकिंग करिए मैम। नमस्ते सर। जी। हाँ एक मिनट शशि मैम अगर आप सुन पा रही हैं, या वैशाली मैम हाँ टेकिंग जी सर, जी सर मैं करती हूँ सर, जी सर, जी करिए प्लीज। सर पेशेंट पहले ऑन हो जाए। यस मैम, गुड इवनिंग। वो हेलो, ये गुड दरवाजा इवनिंग। 5 फीट से। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या तकलीफ है मैम आपको?
मुझे पहले 1 साल हो गया, उसमें 2 महीने की गांठ थी तो गिर गई, जिसको पोषण नहीं मिल रहा था। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब जाने दीजिए, 6 7 महीने। अब हम फिर से ट्राई कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ने दवाइयां भी दी थी बीज बनने की, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन से कहा और बाद में IVF से कहा। तो इसके क्या हम क्या कर सकते हैं? एक बार मैम थोड़ा सा और ब्रीफ करिए। एक्चुअली आवाज थोड़ी सी आपकी कट गई थी, अब मेरे नेटवर्क में इशू आ गया होगा। और थोड़ा प्लीज ना नहीं हिंदी टच ज्यादा बोलो, मुझे थोड़ा ना गुजराती वाली चीजें कम समझ में आती है, सॉरी। बोलती तो है, बड़ी हाँ अच्छी तारो मोटू दिखाई हुई रहती है। मैम, वह बोलते हैं कि उसे बीज नहीं बन रहा है, पहली बात यह है। और 2 साल पहले उसको जो इश्यू हुआ था ना, तो 2 3 महीने में उसको गिरा देना पड़ा, क्योंकि उसका कुछ विकास नहीं हुआ था, पोषण नहीं मिलता था। चलिए, तो मतलब एक वो खराब हो चुकी थी। अभी शादी को कितने साल हुए इनके? 3 साल में 3 महीने बाकी। चलो, 3 साल में 3 महीने बाकी है। और 2 साल पहले एक बार जो प्रेगनेंसी ठहरी थी, वो 2 महीने के बाद विकास नहीं हो रहा था उसका, तो इसलिए आपको उसको गिराना पड़ा था। क्या सफाया हुआ था मैम? बोल तू बोल। जी मैम, डीएमसी हुई थी, मतलब कोई औजार डालकर अंदर सफाई करे थे कि ऐसे ही हमने आप? एक गोली दी थी, एक दवाई दी थी, उससे गिर गया था। अच्छा, एक गोली और दवाई दी थी, वो दवाई मतलब रात में रखने के लिए दी थी अंदर? नहीं, पीने की। अच्छा, एक गोली दी थी और एक दवाई दी थी, उसके बाद साफ हो गया, तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो सब कुछ ठीक था? नहीं, उसके बाद तो कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नहीं, मतलब और उसके बाद, फिर उसके बाद जब ये केस हो गया, तो उसके बाद आपका महीना बढ़िया से आने लगा? फिर महीने में तो कोई तकलीफ नहीं आ रही थी? मासिक रेगुलर आवेदन? नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, आते ही नहीं, 2 3 महीने हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा, तो ये तकलीफ जो दो दो तीन तीन महीने पर महीना आ रहा है, ये तकलीफ कितने टाइम से चल रही है आपको? ये जो गांठ पड़ गई उसके बाद से। नहीं, गांठ कब पड़ी है? लगभग अभी वो जो बच्चा खराब हुआ है उसके बाद गांठ पड़ी है, कि उसके पहले से गांठ थी? नहीं, उसके बाद। उसके बाद हाँ जी मैम, गांठ पड़ गई, उसके अभी बाद आपकी उम्र से कितनी है? 34 साल। 34? अच्छा, 34? नहीं, लुक नहीं लग रहा है ना, कम एज का लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा। चलिए, नहीं, कोई बात नहीं है। तो अभी देखिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो पहले तो इसमें आपका महीना ठीक से आना चाहिए, कभी भी कुछ भी होता है औरतों के अंदर। तो पहले जब महीना ठीक होगा, तो फिर बाद में अंडे भी ठीक से बनेंगे। तो जो 2 3 महीने पर महीना आता है, तो ये कितने दिन आता है लगभग आपको? 2 दिन ही, 2 दिन और आता है, वो भी और सही से ठीक फ्लो रहता है ठीक फ्लो का? नहीं, बहुत हाँ जी, हाँ जी, ही काम आता है। फ्लो भी कम रहता है। हाँ, अच्छा, तो उसकी कोई दवा कराई थी, कि मतलब कोई दवा लिया था जिससे फ्लो वगैरह ठीक आने लगे? फिर से हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने रेगुलर की दी थी 3 4 महीने, वो भी खाई। उसके पहले से हॉर्मोन्स की बोतल दी थी, वो भी पी। जो नहीं, तो दवा वो लू थोड़ी आती है, अंग्रेजी बाद दवा में खाई थी कि आयुर्वेद की खाई थी? अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। खाते थे, और दवाई लेते हैं तो ही एम से आता है, नहीं तो नहीं हाँ, आता। नहीं, अच्छा, और मैडम एक बात बताओ, आपको भूख वगैरह कैसी लगती है? बिल्कुल ठीक ठीक भूख लगती ही नहीं। मैं रेगुलर जैसे कोई नियम हो वैसे ही खाती हूँ। ये जो भूख नहीं लगती है या भूख कम लगती है, ये तकलीफ कितने दिनों से चल रही है? कितने पहले से ऐसी हूँ, सालों से चल रही है? मतलब 30 सालों से, समझ लीजिए। मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ, शायद नेटवर्क मेरी तरफ से जा रहा होगा। हाँ, मैं नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से भूख कम लगती है, कॉलेज वॉलेज में आए?
कब से यही चीज हो गई कि आपको लगता है कि नहीं, जैसे आपकी मुझे उम्र के और लोग रहे होंगे उनसे आपको कम भूख लगती थी? कुछ लोग को बचपन से ही कम भूख लगती है, कुछ लोग होते हैं ना जब थोड़े से और बड़े होते हैं, 20 22 25 साल के हो जाते हैं, जब पूरी लंबाई उंबाई आ चुकी होती है तब से भूख कम हो जाती है। तो बचपन से आपका ही कब से? ऐसे ही, अच्छा, बचपन बचपन से से। भूख कम लगती है। अच्छा एक बात हाँ बताइए, शादी से पहले आपका महीना ठीक आता था? एकदम रेगुलर। अच्छा, शादी के बाद ही ये चीज हुई है। अच्छा, भूख कम शादी लगती है के तो बाद पेट क्या? और पेट रोज साफ होता है? मतलब लैटरिंग वैटरिंग सही से होती है? पॉटी वोटी नहीं कब्ज नहीं वब्ज रहती है? हाँ उसका वो कितने सालों कोई से है? टाइमिंग नहीं है, अच्छा, जो टाइमिंग एक नहीं है तो ये बचपन से ही टाइमिंग नहीं है? हाँ बचपन से ही। तो क्या बीच में ऐसा भी होता है कि एक दो दिन नहीं भी होती है बीच में? तो ये भी बचपन से है आपको? हाँ, कहीं से कहीं जाने का होता है या कुछ खाने में ऐसा आ जाता है तो ऐसे ही होता है। अच्छा, मतलब खाने पीने का भी? अच्छा, मान लो पेशाब में भी कोई तकलीफ है? अच्छा, नहीं पेशाब में कोई नहीं है। और भूख कम है और गला वाला तो नहीं चलता ज्यादा? थायराइड मुझे थायराइड है, वो की तकलीफ कितने साल से है मैम? तो पता नहीं, लेकिन ये जब मुझे प्रेगनेंसी रही थी तब रिपोर्ट करवाया था, उसमें आया था। नहीं तो कई बार प्रेगनेंसी में आ जाता है, प्रेगनेंसी खत्म हो जाने बाद फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, पहले मुझे ये जीभ में चांदी हुई थी ना, तब डॉक्टर ने मेरी आवाज सुनकर कहा था कि आपको थायराइड है। तब मैंने 2 या 3 महीने दवा ली थी, फिर जब प्रेगनेंसी रही तब फिर से 6 महीने की दवा ली थायराइड। तो अभी भी थायराइड की गोली चल रही है? अच्छा, नहीं, वो ठीक हो गया वापस। ठीक हो गया। हाँ हॉर्मोन्स के रिपोर्ट करवाए ना, उसमें नॉर्मल आया। ठीक है, तो कोई योगा प्राणायाम भी करते हैं कि थायराइड वायराइड ना हो बाद में? अच्छा, नहीं, कुछ नहीं हुई, बीच में थोड़ा किया था, फिर वापस। लाइफस्टाइल ऐसी है कि टाइम नहीं मिलता। क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ हूँ लेकिन फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बात तो ठीक है, फैमिली देखो बड़ी है और हाउसवाइफ तो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि आपकी इच्छा शक्ति होगी ना, तो उससे थोड़ा सा टाइम निकालिए, 10 15 मिनट ही सुबह कर लीजिए, मान लीजिए 10 15 मिनट शाम को कर लिए, जब भी पेट खाली है। कुछ कुछ चीजें करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे, ठीक है? नहीं तो थायराइड की गोली वगैरह जब एक बार चलना शुरू हो जाती है तो तकलीफ हो जाती है। थायराइड की गोली नहीं लोगे, मान लो और भी दवा ले रहे हो, और आयुर्वेद ही अगर आप खाते हैं तो आयुर्वेद में भी दवा लंबा थोड़ी चलाना है, दवा तो थोड़े दिन चलेगी, उसके बाद में आपका मेन खान पान होता है और योग प्राणायाम होता है, ठीक है? तो इसलिए वो करना ही, कैसे करके निकालेंगे वो आपको सोचना है। हाउस वाइफ होती बहुत बिजी, हमें भी पता है, बड़ा परिवार होता तो और तकलीफ होती है, लेकिन परिवार को बोलने का कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे बहुत ज्यादा दवा पर रहना पड़ेगा, तो वो अलग से फालतू खर्चे हो जाएंगे, ठीक है? और टेंशन होती है अलग। अच्छा, एक बात बताइए, और आपकी लंबाई कितना है, आपका वजन कितना है? मेरा वेट 43। अच्छा, और लंबाई? पांच से ऊपर होगी। अच्छा, 5 से ऊपर होगी, तब तो बड़े पतले हो गए, 43 हाँ तो बहुत कम बहुत हो। ही पतली हूँ। अच्छा, नहीं चेहरे का लुक तो ठीक ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा। चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो एक तो पीरियड की तकलीफ है, शादी होने के बाद से हुई है, थायराइड की तकलीफ हुई है, प्रेगनेंसी में भी दवा ली है, प्रेगनेंसी के पहले भी थोड़े दिन दवाएं ली थी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे बहुत बड़ा परिवार है तो काम भी बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या ऐसा हुआ है क्या शादी के बाद काफी टेंशन दिमाग में रहता है? हाँ जी बहुत काम सारा। काम का टेंशन दिन भर दिमाग में सवार रहता है? हाँ काम का। और मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, वो बाहर है पुलिस में, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो अभी अभी पूरी हुई अच्छा, तो वो भी टेंशन रहता है कि पति देव दूर रहते हैं, घर पर इतने सारे काम रहते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो देखो जब बहुत ज्यादा टेंशन उसन होता है ना, तो अपने आप बीमारियां हो जाती हैं, अपने आप महीने की भी तकलीफ आ जाती है। तो इसमें जो है ना कि जैसे आप दिख रहे हैं मस्त ना, वैसे अंदर से भी मस्त रहने की कोशिश करना है, तो उसमें तरीका वही होता है कि थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, अपने लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा प्राणायाम योगा वगैरह सारी चीजें, तो अब जा करके जल्दी ठीक होंगे और दवा तो चलेगी। अच्छा, नींद उद कैसी आती है? नींद तो दोपहर को तो आती ही नहीं, रात को 9 10 बजे सो जाती हूँ, 8 घंटे तो एकदम आती 9 10 बजे सोकर सुबह कितने बजे उठते हैं आप? हूँ। 6 बजे
अच्छा, और दिन में देखो नहीं सोना है, ठीक है? अगर दिन में नींद नहीं आती तो ये बड़ी अच्छी बात है, दिन में नहीं सोना है, रात को ही सोना है। अच्छा, खाने पीने में क्या क्या खाते पीते हैं दिन भर में, आप बताएंगे मुझे सुबह से शाम तक में? सुबह उठ के पहले पानी पी के चाय, और बाद में दूध और नाश्ता। नाश्ता करने के बाद दोपहर को सब्जी और रोटी, और फिर डायरेक्ट शाम को सब्जी रोटी और दूध। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सुबह आपने पानी चाय पिया, फिर दूध पिया, फिर कुछ टाइम बाद नाश्ता भी करते हैं, तो क्या इन सब में भूख लगी होती, टाइम हो गया सो खा पी लिया कुछ कुछ अंदर? थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे गैस जैसे, हम भूख हम पेट में कुछ होता है, इसलिए थोड़ा खा ले तो शांत हो जाता है। बहुत बहुत तो अच्छा, खा ही नहीं सकती मैं, कुछ होने नहीं मेरा लगता है। कहने का मतलब है देखो, भूख जब लगेगी तभी कुछ खाना है, बगैर भूख हाँ के कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? हाँ हाँ इस बात का ख्याल रखना। और जैसे दूध पी लिया तो दूध के 2 घंटे बाद ही कुछ नमक वाली चीजें खानी, ठीक है? जी क्योंकि सब्जी रोटी में, सब्जी में नमक पड़ा होता है, और कई बार कुछ लोग रोटी में भी नमक डालते हैं, है ना? तो आप भी रोटी नमक वाली बनाते हैं? हाँ हाँ, तो दूध के साथ हम नहीं खाने का, ठीक है? अच्छा, चाय कितना पीते हो दिन भर में? दो रखेगी। अच्छा, 2 दफ्ते पीते हो सुबह शाम, है ना? हाँ बहुत नहीं, कम। अच्छा, कोई और, जैसे सुबह आपको पेट नहीं साफ होता है, कभी किसी टाइम साफ होता है, तो ऐसा नहीं होता कि बीच बीच में कोई दवा ववा लेते हो जिससे पेट साफ होता रहे? नहीं कुछ भी नहीं, भले और कभी नोटिस किया है कि एक कुछ, दिन कभी नोटिस किया है क्या कि ज्यादा टेंशन वेंशन में रहते हो तब पेट नहीं साफ होता है, या ज्यादा टेंशन में रहते हो तो पेट झरने लगता है? ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ खाने पर, और कहीं बाहर जाए तो खाना मिले या ना मिले उसी पर ही ये सारा आधार रखता है। नियम अच्छा, हर रोज की तरह खाऊं तो आ जाती है हर रोज, लेकिन उसका कोई टाइमिंग नहीं है, बचपन बचपन से ही टाइमिंग नहीं है ना? से ही टाइम तो नहीं। तो एक बात बताओ, जब बचपन से ही टाइम नहीं था तो स्कूल कॉलेज जाते थे, तो मान लो स्कूल कॉलेज में लग गई तो फिर रोकना पड़ता था कि स्कूल कॉलेज में रोकना पड़ता था हाँ, ना? हाँ, तो ये जो महीने की तकलीफ आई है ना, वो उधर से आई है, ठीक है? क्योंकि अब मान लो घर से बाहर का बाथरूम वाथरूम नहीं बढ़िया होता है, कई बार होता है कि साफ सुथरा नहीं है, कोई और भी तकलीफ होती है, लेडीज को तो और भी होती है, तो उस वजह से उनको रोकना पड़ जाता है। तो इसी वजह सबसे बेस्ट होता है कि सुबह सोकर उठते रहे, या घर से बाहर निकलने से पहले इंसान नहा धोकर फ्रेश होकर के अच्छे से तब कहीं जाए, है ना? अच्छा, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल कर लिया है शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद ज्यादा गुस्सा आता है? नहीं, कंट्रोल ज्यादा किया है, पी कंट्रोल ज्यादा किया है कि पी लिया है? पी लिया है। हाँ, तो देखो, गुस्सा आना और उसको, गुस्से को मोड़ देना अलग चीज होती है, बट जब हम गुस्सा पीते हैं तो भी हमारे सभी ऊपर जाता है, वो तो हमारी मजबूरी है भाई, सामने वाले के सामने गुस्सा नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको पीते हैं, क्योंकि हमें मोड़ने के तरीके तो हमें कम ही लोग को आता है ना? तो गुस्से को पीना नहीं है, उसको सोचना है कि गुस्से को मोड़ा कैसे जाए, क्योंकि जितना आप पियेंगे उतना शरीर पर फर्क पड़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी, ठीक है? और कुछ आपको लगता हो कि जो आपको तकलीफ हो रही है उसके पीछे और वजहें भी हैं? अच्छा, पतिदेव की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं? उसके रिपोर्ट सब ठीक है, और वह भेजा है, देखो अपने स्किन पर मैंने। ठीक है सर, मैं देख लूंगी। चलिए, मेरी तरफ से तो हो गया है, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछे इनसे। मैंने पाठक सर, देख लिया, तो इनका वेगा विरोध का हिस्ट्री हेतु बताइए, क्या क्या आपको मिला? हेतु तो इनका सबसे बड़ा शादी के बाद से ही स्ट्रेस का हेतु है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है तो बहुत ज्यादा काम का हेतु है, तो जब इंसान एक्सर्शन लेता है, तो मतलब कि फिजिकल वर्क भी हो गया और मेंटल वर्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कई बार काम का प्रेशर और साथ में उसको सोचना, तो रस धातु की दुष्टि तो ऐसे ही हो गई, चिंतन की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब चिंता करने की वजह से, तो एक तो स्ट्रेस का हेतु मिला है, और चूंकि बचपन से ही वक्त बेवक्त जाते थे, फ्रेश होने की आदत थी, तो स्कूल कॉलेज में उसको मतलब पॉटी के प्रेशर को रोका है, और इस तरह का है तो यूरिन वगैरह का भी प्रेशर इधर उधर रहा होगा, हालांकि उतना सही से नहीं पता चल पाया। तो मेन हेतु सर इनका रसवा स्रोतस की दुष्टि का चिंता वाला मिला है, और अपान वायु का
बेगा बरोध वाली हेतु मैम मिलेगी। इनसे पूछिए सर, डिस्चार्ज वगैरह इनको तो नहीं होता रहता है रेगुलर, कभी कभी हाँ सॉरी डिस्चार्ज? मैम पूछा। हाँ मैम बताएं, कुछ सेक्रेशंस वगैरह तो नहीं बिल्कुल थे? भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और सर इनका जब आवाज चेंज हुआ था तब इनको थायराइड वगैरह का टेस्ट हुआ था, तो थायराइड की कुछ दिन दवाएं चली हैं, वो खाया है, और बचपन से ही अग्निमांड है क्योंकि इनको भूख कम लगती रही है, ये शुरू से आदत रही है, और अभी भी जैसे ये कुछ खाते हैं उसके पहले इनको तकलीफ हो रही होती पेट में, उसकी वजह से कुछ खा लेते हैं नहीं। तो आराम आ जाता है। तो मेनली ये वजह है, अपान वायु की विकृति और चिंता सर, तो दो ये हेतु ज्यादा मिले हैं, तो और तो चिकित्सा खाने में पर। क्या करेंगे, चिकित्सा कैसे करेंगे? चिकित्सा में सर इनका क्योंकि ये है यहाँ पर, रस पाचक देंगे, रक्त पाचक देंगे, रस पाचक रक्त पाचक के अलावा दीपन पाचन और लोमन में इनको हिंगवास्टर चला सकते हैं बड़े आराम से, जस्ट बिफोर मील अपान काल में ही, और रस पाचक तो सुबह सुबह चलेगा खाने से पहले काफी टाइम, रक्त पाचक तो आधा घंटे बाद ले लें खाना के बाद में, और अनुलोमक के रूप में इनको दी जा सकती है कैस्ट्रोल भी दिया जा सकता है, या शुरुआत में कैस्ट्रोल को सुंठी के साथ दे देंगे तो पाचन और अनुलोमन मतलब क्योंकि सुंठी बेस्ट पाचक का काम करेगी और कैस्ट्रोल अनुलोमन का, तो वहां से बहुत बढ़िया काम करेगा, और बाद में दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद कुछ टाइम बाद इनको मात्रा बस्ती वगैरह भी दी जा सकती है, और चंद्र प्रभा वटी वगैरह भी चला सकते हैं इनको, जी, तो हरिहर सर इनका ट्रीटमेंट शुरू जी करिए डॉक्टर। सर। हाँ हाँ इनको लीव इनको करा दिया जाए? मात हाँ इनको हटा दीजिए, और हरिहर सर आप इनको बस्ती देना शुरू करिए, मात्रा बस्ती, दीपन पाचन अनुलोमन, रस पाचक, रक्त पाचक, आरोग्य वर्धिनी वटी, पुष्प धनवार रस, वो हमारा जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है पाठा इंद्र त्रिकट, और वो सर इनको चूंकि यूट्रस वाली प्रॉब्लम है मतलब कि उस पर तो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो नस से बहुत बढ़िया काम करेगा, नस के साथ में इनको नाभि पूरण वगैरह किया जाए, और चूंकि स्ट्रेस की हिस्ट्री है तो शिरोभ्यंग, अगर शिरोधारा पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सती है तो नस्य शिरोभ्यंग वगैरह में तेल से करें या नस्य में दे। हाँ सर नस से कराओ, नस से तो वैसे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा क्योंकि नासा जो है और ये गर्भाशय दोनों पृथ्वी तत्व को बिलोंग करते हैं, तो वहां से काफी बढ़िया होगा, और जैसे अंजना मैम कहते हैं अदरक सोरस का नस देना शुरुआत में, पहले शोधन नस दे पहले दीजिए और बाद में शमन नस दीजिएगा, बाद में छिड़बला पहले तेल कर, कौन सा पहले दे दो? तो सर शोधन नस दीजिए किसी भी बीमारी में, वो एक ही बता दो। अच्छा शोधन नस अदरक सोरस का नस दे दीजिए ना, आप चाहो तो षडबिंदु तेल का भी दे सकते हो, या हाँ सरका छवतु भ्रंशतु ऑयल जो है वो भी ले सकते हो, वो भी दे सकते हो, वो भी शोधन नस से है, और फिर बाद में शमन तेल, शमन नस में चाहे अणु तेल का दे दो, चाहे सरका जो छीरबला 101 आवर्ती वाला है उसका तेल का नस दे दो, और नाभि पूरण इनको उसे कैस्ट्रॉल से करा दीजिए हाँ क्योंकि अपान वायु पर बहुत बढ़िया काम करेगा, और पेशेंट को एक दिन बुला करके खाली पेट उनका पेट चेक कर लीजिएगा अच्छे से, तो हाँ जैसे मतलब नाभि के आसपास अगर कहीं पर भी आपको परकसन करके देख लीजिएगा आवाज आवाज कैसी है, तो लीवर का, स्प्लीन का और नाभि के आसपास देख लीजिएगा, तो अगर नाभि के आसपास साउंड में फर्क है तो समझ लीजिएगा कि ब्लैडर वाली भी प्रॉब्लम है, तो वहां पर गुच्छरादि गुगुल वगैरह उस तरह की प्रिपरेशन बाद में दे सकते हैं उस हिसाब से। और कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दें सर? सर कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर पेशेंट ले सकती बड़े आराम से तो शुरुआत में सुंठी दे दीजिए, सुंठी के साथ में कैस्ट्रॉल दे दीजिए रात में, अच्छा, और बाद में मात्रा बस्ती? हाँ थोड़ा सा दीपन पाचन और लोमन करके तब मात्रा बस्ती देंगे तो ज्यादा बढ़िया काम करेगा। कौन से तेल के दो? मात्रा बस्ती सर पेशेंट तो आपकी दुबली पतली है तो इनका आप बला अश्वगंधा तेल का भी दे सकते हैं, आप इनको धन्वंतर तेल का भी दे सकते हैं, आप इनको जो भी देख लीजिए अपना, नहीं तो अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो तो सर के छीरवाला तेल से दे दीजिए, पेशेंट हाँ की प्रकृति क्या है? पित्तज कफज, लगते हाँ तो फिर छीरवाला से दे सकते हैं आराम से, कुछ दिन छीरवाला से दे दिया, चाहे अल्टरनेट दे दिए, एक दिन मान लो आज छीरवाला से दिया हुआ है कल किसी और ऑयल से भी देकर दे सकते हैं, और नहीं तो एरंड तेल से भी दे सकते हैं बीच में मात्रा बस्ती, तो स्ट्रक्चर तो नहीं देना ना?
सचर भी बीच बीच में दे दीजिएगा एक दो बार। सचर कफज विकारों में भी अच्छा काम करता है, पेन में भी काम करता है। पेशेंट का चूंकि वेट लॉस वाला है, थोड़ी दुबली पतली है, इसलिए मैं सचर नहीं बोली। पाठक सर आपको ज्यादा हाँ, बढ़िया वो तो बताई सही बात है, मुझे। तो अभी नहीं देते हैं सर। हाँ, पहले अभी दीपन पाचन करिए, पहले अग्नि बढ़ाइए। इसमें सब कर आरोग्य वर्धन ही दो, उसको धनवा रस। हाँ, और वो मेरा आम पाचक वटी है, तो वो दे दीजिए, अग्नि जल्दी ठीक होगा। हाँ और जी, तो बाद में जब अग्नि अच्छा होगा तो घृतपान कराने, क्योंकि तो वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है। नॉर्मल घी दीजिएगा या फल घृत दीजिएगा? जी और सर, ये जो है ग्रंथिराज फॉर्मूला वो देंगे, कन्या लो आदि बट्टी देंगे, ताप्य दिलो नवायस लो, तो अच्छे से मेंसेस खुल के आएगा। सर आप इतना शुरू करिए, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक हाँ सर, है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हाँ, सर, और किसी को कोई केस के बारे में डिस्कस करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर। कोई और कुछ केस डिस्कस करना चाहते हैं? वैशाली मैम, तनिका मैम, शैलेश कुमार जी, शैलेश भाई जी, माधुरी मैम, कुछ बोलिए प्लीज। सूरज जी बोलिए। सर पुष्प पुष्प धनवा रस का मतलब क्या रोल रहेगा? रस जो रहता है वो ओवुलेशन को भी अच्छा करता है, वो यूट्रस को स्ट्रेंथ देता है, वो फेलोपियन ट्यूब को अच्छा करता है, इंटरनली पूरा एक एक लेयर पे उसका काम होता है, जहां पर भी ग्रोथ नहीं हुआ है उसको अच्छा करता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। वृष भी है, रसायन भी है, पुष्प धनवा रस। पुष्प धनवा मतलब वो फॉलिकल्स को अच्छे से बनाना, एग्स को रप्चर करना, सभी पे काम करते हैं। और सर ये मतलब स्टार्टिंग से दे सकते हैं, हाँ, स्टार्टिंग से देना चाहिए तो जल्दी फायदा होता है। मतलब ये दीपन पाचन भी करेगा ना वैसे? पर दीपन पाचन नहीं करेगा, दीपन पाचन मेडिसिन के साथ मतलब इसका स्टार्टिंग से सकते इस्तेमाल हैं। कर। हाँ, पुष्प धनवा रस पे मेरा जो वीडियो है वो आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हाँ सर, आपको चाहिए तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, स्वप्निल जी दे देंगे आपको निकाल के। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। किसी को कोई केस के बारे में डिस्कस करना है तो करिए। प्रीति मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ हाँ सर प्रणाम हाँ सर। जी, डैंड्रफ के लिए क्या दे सकते हैं? डैंड्रफ के लिए तो बहुत सारा चीज है, पहले हेतु निकालना पड़ता है कि क्या कफ वर्धक आहार विहार करे, डैंड्रफ हो क्यों रहा है, कृमि है क्या, और अभिसंधि चीजें खा 19 ईयर रहा की गर्ल है, उसको है डैंड्रफ का प्रॉब्लम। है, लेकिन और क्यों? बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे ठंडा बहुत है, तो गर्म पानी से सर धुलती होगी, तो उस कारण से तो ज्यादा ऐसे हो रहा तो वहां होगा। पे बहुत सारे लोग करते हैं, सबको डैंड्रफ होता है क्या? तो 90% लोगों को यहाँ पे डैंड्रफ रहता ही है। गर्म पानी से बाल धोने से डैंड्रफ होता है, ऐसा तो नहीं होता है, और भी हेतु निकल। ड्राइनेस हो जाती है ना सर स्कैल्प में, तो तो मतलब फिर बात। आप तेल लगाइए, अगर ये हेतु मिल रहा है तो वो तेल लगाइए, ठीक हो जाएंगी। तो मैंने उसे बीच में क्या कहते हैं नीम का ऑयल दिया था, उसमें मिक्स करके लगाने के लिए, और साथ में आरोग्य वर्धनी ये सब भी दिया था, तो उस टाइम ठीक हो गई थी। फिर अभी रिकरेंट। तो वो कंटिन्यू करने को बोलिए ना, 3 से 6 महीना, 1 साल तक कंटिन्यू बोलिए, ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक ठीक है, थैंक यू। यू। सबसे पहले हेतु देखना चाहिए, फिर उस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए प्लीज। तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं कोई केस के बारे में? गुड डॉक्टर इवनिंग आशीष सर। कुमार हेलो जी, हाँ जी बोलिए सर। तनिका मैम। नहीं अभी तो नहीं, अभी अभी मैं खुद में फीवर में हूँ, तो इसलिए मैं गई नहीं हूँ क्लिनिक। तो आपको ये क्या कफज ज्वर है क्या? सर कफज भी है और पित्तज भी है सर। आपने कुछ तो जंक फूड खाया था उस दिन हाँ जी, हाँ जी सर, वो बहुत ज्यादा हो गया था, उसी की वजह से वो हो गया जी, अब मत जी खाइएगा आगे। ठीक जी सर जी। है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सूरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो सर, मतलब मैंने वो आपका एक लेक्चर सुना था महायोगराज गुगुल का, तो जी सर मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर एएमएच को मतलब अच्छा करना हो, या मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या इनफर्टिलिटी गर्भाशय धारणा की क्षमता को बढ़ाना हो, तो इसमें मतलब इसका यूज मतलब कैसे काम करेगा ये महायोगराज गुगुल? वात का शमन करता है, आम का पचन करता है, वायुजन्य जितने भी इनफर्टिलिटी है उन सबको वो अच्छा काम करता है। मतलब इसी टाइप का मतलब वेगावरोधजन्य या ऐसा मतलब हाँ,
प्रकोपित करने वाला हेतु और श्रोतावरोधो उदन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, और उसमें चांदी रहता है तो वो और ज्यादा गर्भाशय पे अच्छा काम करता है। तीनों और सर ये पित्तज में भी अच्छे से चलता है ना, मतलब सुना भी था दोषों मैंने। पे काम करता है, हाँ सर, लेकिन ज्यादातर ये महायोगराज गोकुल है तो वात के लिए बोला जाता है। डिसमेनोरिया है तो उसमें तो बहुत अच्छा काम करता है महायोगराज गोकुल, दशमुलारिष्ट के साथ। और सर जिधर मतलब पीरियड्स आते ही नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, उधर भी अच्छा इस्तेमाल होता होगा ना नहीं, इसका? वहां तो आर्तव जनन के लिए तिल का क्वाथ और गुड़ फिर ये देते हैं, बीज वाले सारी चीजें देते हैं बीज अच्छा होने के लिए। फिर वहां पे रस पाचक रक्त पाचक शोधन कराते हैं, वमन विरेचन बस्ती देते हैं। हेतु अगर है कि वेगावरोध है, बहुत ज्यादा रुक्षता है, वजाइनल ड्राइनेस है, तो वहां पे योनि पिचू योनि का डूष रखते हैं, मतलब वहां पे वो रखते हैं डूष रखते हैं स्नेह का। उसी तरह से बस्ती देते हैं, उसी तरह से फलग्रित देते हैं, स्नेहन करते हैं वो एरिया को पूरा इंटरनली एक्सटर्नली, अभ्यंग करते हैं, नाभि पूरण करते हैं। फिर उसके बाद में फलग्रित देते हैं, मेंसेस लाने के लिए लौह कल्प देते हैं, ताप्य दिलो नवायस लौह, रस पाचक रक्त पाचक, और ये देते हैं। मतलब क्या हेतु है उस हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाता है हाँ सर, जी। एक फॉर्मूला नहीं है कि एक ये दे दिया तो मैसेज आ जाएगा, उसमें पहले हेतु देखते हैं, वेगावरोध है क्या, रात्रि जागरण है क्या, क्यों हुआ है डिसमेनोरिया, सॉरी अमेनोरिया क्यों हुआ है, उस हिसाब से हम देखते हैं। और वात की चिकित्सा करते जाते हैं, कुछ आर्तव जनन की दवाइयां देते हैं, कुछ एंडोमेट्रियम थिकनिंग कम हुआ है क्या, अगर वो थिकनिंग कम हुआ है तो पाठाइंद्र त्रिकटु देते हैं। और सर अगर मतलब वात रक्त की संप्राप्ति है या अगर आम वात की संप्राप्ति है, मानो तो उसको ठीक करेंगे, स्रोतोरोध को ठीक करेंगे। सर मतलब आम वात में अगर दो कंडीशन रहता है, मतलब एक्यूट रहता है और क्रोनिक रहता है, तो सर एक्यूट में भी इसका इस्तेमाल किया तो चलता है ना मतलब? हाँ, महायुवराज गुल वात रक्त में आम वात में सबसे बेस्ट है, आम का पचन करता है, पेन को कम करता है। हाँ सर, जी कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज सर जी सर। आपने अभी ग्रस्त फॉर्मूला बताया, पाठाइंद्र और त्रिकटु, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो गई है, तो सर ये कैसे काम करेगा, इसको मतलब थिकनिंग को बढ़ाएगा क्या एंडोमेट्रियम की? उसका थिकनिंग को अच्छा करता है ये, उस पे ही काम करता है, इसका नाम है ग्रंथिरज फॉर्मूला, ये हमारे वाग्भट संहिता में है। शशि मैम आपके पास रेफरेंस होगा तो आप दे दीजिएगा ग्रुप में, पाठाइंद्र त्रिकटु का रेफरेंस है। हाँ वो तो सर अष्टांग हृदय में ही है, मोस्ट वाले शारीरिक स्थान के तीसरे चैप्टर का तीसरा या चौथा श्लोक ही है, मैं भेज दूंगी। हाँ, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करता है, आप तो बच्चन है, हमेशा 100% रिजल्ट आता है, 3 से 6 महीना देना पड़ता है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होती है तो मेंसेस अच्छे से आते हैं। ये बेस मेमोरी पे काम करता है या रेगुलर लेंसेज पे काम करता है? आपको एंडोमेट्रियम का अगर पूछ रहे हैं तो वो मैं बता रहा हूँ, डिसमेनोरिया अगर पूछेंगे तो उसमें वायु का प्रकोप है, तो वहां पे बस्ती देना पड़ेगा। डिसमेनोरिया यस मतलब मैम, पेनफुल मेंसेस है, वायु है, वायु तो वहां पे रुक्षता कम करना है तो बस्ती देना पड़ेगा। पीरियड आने से हफ्ते भर पहले दे दो, दो चार मात्रा बस्ती किसी भी ऑयल के दे दो, चाहे छीरवला दे दो, चाहे जो भी सचर दे दो, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से तुरंत रिजल्ट आएंगे और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, कब्ज नहीं रहे, मलावरोध वगैरह वाली जो हेतु है वो सारे सॉल्व करिए। और डिसमेनोरिया के केस में कई बार साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा होता है, तो प्रॉपर काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, नशे वगैरह अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत खराब केस है तो उसमें नस्य है, नाभि पूरण है, ये सब सारी चीजें करवाइए, और कम से कम पीरियड आने हफ्ते भर पहले जरूर करा दीजिए, तो फिर आराम आ जाता है 2-3 साइकिल में ही। जी थैंक जी थैंक यू मैम, और किसी को कुछ यू। पूछना है तो पूछिए। ये लेकिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक करता है, आर्तव जनन के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं तो उसमें तिल का क्वाथ और गुड़ ये सबसे मेन माना जाता है, उससे आर्तव बहुत अच्छा से आते हैं, और शिग्रू का क्वाथ वो भी बहुत अच्छा रहता है, वरुण शिग्रू क्वाथ मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा कर देता है। ऐसे तो बहुत सारी और भी दवाइयां हैं लेकिन ये हम ज्यादातर यूज करते हैं। सर हाँ जी, हम लोगों ने मतलब कोई भी दवाई ना लेते हुए, मतलब जब हॉस्टल में वगैरह रहते थे तो सिर्फ योगासन से ही बहुत सारे पीसीओडी के प्रॉब्लम जो मेंसेस है जो नहीं आती है, रेगुलर नहीं आती है, उनमें बहुत मतलब 90% इफेक्ट आता था। तो
बद्धकोणासन, शशांकासन, मंडूकासन, बटरफ्लाई आसन, ऐसी सीरीज ही बनाई थी हमने 8-9 20 की आसन की, तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है इसका। कुछ हाँ, क्योंकि आप प्राणायाम और भी आसन मेडिटेशन, करेंगे ना, तो जितना भी दुष्टि है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ मतलब अपान जो की गर्भाशय स्टिमुलेट करते वो आसन सब, कौन कौन से हैं मैम, बताइए एक बार। मैं सर उसकी लिस्ट भेज दूंगी, बद्धकोणासन, शशांकासन, मंडूकासन, बटरफ्लाई आसन, और भी सर उसमें 5-6 है। तो अपना सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद मतलब कपालभाति वगैरह जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होते हैं वो, और उसके बाद आसन जो सिर्फ गर्भाशय को स्टिमुलेट करते ऐसे आसन, जी तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बहुत। विदाउट मेडिसिन भी मेंसेस रेगुलर होती है 6 महीने, 4-6 महीने में अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो, जी विदाउट मेडिसिन। जी तो सर मैम, मैं आप ये भेज सब दूंगी दे वो दीजिएगा लिस्ट। ग्रुप में, सर मैं लिख के भेज दूंगी जी फोटो निकाल। ठीक है, और कोई किसी को कुछ बताना है, पूछना है? सर एक और क्वेरी था कि जैसे मॉडर्न में बोलते हैं कि मेलेनिन जो हार्मोन है जो टेंशन या चिंता की वजह से वो चला जाता है तो बाल सफेद हो जाते हैं, एजिंग हो जाती है, तो उसमें सर ऐसा होता है कि जो सफेद रूट्स एक बार सफेद हो गए वो काले दोबारा से हो जाए, या वो कभी ऐसा नहीं हो पाता है? सर समझ नहीं आया, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस बोला और क्या सफेद हो गया है? मेलानिन जैसे चेहरे के सर के बाल तो जो सफेद हो आप जाते आयुर्वेद के हिसाब हैं। से भ्राजक पित्त को अच्छा करिए ना सर, कोष्ठ शुद्धि करिए, रक्त की शुद्धि करिए, तो सब ठीक ही हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा आपने प्रैक्टिकली आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक रिवर्सल हो गया, वो व्हाइट बाल सफेद बाल थे वो दोबारा से काले हो गए हों? सर देखिए, 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल है ना, वो अगर 1.5 साल तक नस से दिया जाए तो सारे बाल काले हो जाते हैं, लेकिन वो 1.5 साल कौन देगा? आप देंगे तो फिर अच्छा फायदा होगा। बाल सफेद क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर में जो पित्त है वो सिर में जाके और बालों को पकाता है, तो हमें पित्त का चिकित्सा करना पड़ता है, जैसे कि गुलकंद और प्रवाल पंचामृत, उसको कंटिन्यू देना पड़ता है 1.5 साल तक। अगर आप जी पोषण अच्छा से देंगे तो व्हाइट बाल काले हो जाते हैं, लेकिन 1.5 साल तक उतना पेशेंस रखना पड़ेगा जी और नस से भी देना पड़ेगा। सर, ये जमदग्नि गोल्डन सर ड्रेस देते हैं तो उससे भी रिजल्ट इसमें मिलता है, सप्त क्या बोल रहे हैं, क्या देते हैं? गोविंद रस टेबलेट देते हैं उनके यहाँ पर, हाँ, सप्त सब तो गोविंद। गोविंद रसायन, उससे भी होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक देना पड़ता है। जी सर हाँ, माधुरी गिरी उसको मैम जो कुछ बोलना चाह रही थी। अच्छा, सूरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर मतलब वो कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड, मतलब अगर पेट बिट साफ नहीं हो रहा है तो मतलब रात को गंधर्व हरिद की चालू किया, मतलब शुरुआत में तो जी मतलब दीपन पाचन आलोमन के साथ, तो मतलब चलता है क्या, या प्लेन हाँ, मतलब एरंड तेल देने का? जहां पर स्नेहन की कमी है वहां पे मल कैसा आ रहा है, सूखा आ रहा है क्या, कैसा आ रहा है, उस हिसाब से सूखा अगर मतलब कड़क कड़क, आ रहा है तो स्नेहन होना जरूरी है ना। अब तो स्नेहन सर नहीं करेंगे, मतलब केवल लैक्सेटिव देंगे तो कैसे होगा? इसमें एक बार सर तो दीपन फिर कराइए, या फिर नीचे से मात्रा बस्ती दीजिए, या एरंड तेल दीजिए, स्नेह विरेचन। और ये मतलब गंधर्व हरिद की मतलब किस कंडीशन में चलेगा सर आपके हिसाब से? नॉर्मल 1-2 दिन नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत क्रॉनिक है और गंधर्व हरिद की जैसे दवाइयां 20 साल से ले रहे हैं तो वहां तो काम ही नहीं करेगा ये। मतलब सर उधर ऑयल देना पड़ेगा या टाइम मतलब? टाइम का कितना दिन का बीमारी है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, अगर 1-2 दिन नहीं हुआ तो दे सकते हैं, उससे रिजल्ट आएगा। अगर 20 साल से कोई लैक्सेटिव ले रहा है तो वहां पे गंधर्व हरिद की काम ही नहीं करेगा, ये मेरे बोलने से नहीं, पेशेंट बोलेंगे कि हमें फायदा नहीं हुआ, तब तो वहां पे बस्ती देना पड़ता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को स्नेहन की कमी है, वहां पे मज्जा स्नेह की कमी है। और सर बस्ती मतलब पहले दिन भी दिया, मतलब आया है तो चलता है क्या? हाँ, ऐसे कर्म बस्ती काल बस्ती में पहले तेल का ही दिया जाता है ना, आप एक बार फिर अच्छा से पढ़िए, कर्म बस्ती काल बस्ती योग बस्ती, 8 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, उसमें पहले तेल दिया है, फिर अल्टरनेट काढ़ा और तेल। सहचर का दिल सहचर का दे सकते हैं क्या, मतलब उसके प्रकृति के लिए हिसाब आपको से? स्नेहन कराना है, सहचर दीजिए, शीर बला दीजिए, शुद्ध बला, धन्वंतर तेल, कोई भी। हाँ सर, जी
और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, कोई सक्सेस स्टोरीज बताना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद करता हूँ, 9 बजने को है, मैं थोड़ा ट्रैवल करके आया हूँ तो मैं अभी बहुत ज्यादा थका हूँ, तो हम कल सुबह मिलेंगे, ठीक है? मंगला मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ सर, मैं पूछना चाहती थी। हाँ पूछिए मैम। नमस्ते सर, एक 52 इयर्स की लेडी है सर। जी 10 साल से उनका मेंसेस नहीं आया था। जी अभी नवंबर में आया था, फिर जी 1.5 महीने में आया, और फिर अभी 15 दिन में ही आया सर। क्या हो सकता है सर? क्यों क्यों ऐसा हुआ? आपको हेतु और संप्राप्ति समझ आया? क्या हेतु है कि बंद हो गया? तो 10 साल से आए नहीं, उनको लगा कि क्यों मेंसेस गया। फिफ्टी क्यों? एज कितना है अभी उनका? टू है सर। तो ये तो नॉर्मल हो रहा है ना आजकल, तो 40-45, 40-42 साल में नहीं तो बंद अभी हो। आया ना सर, अभी पहले। मैम मैम एक बार, ये सर्वाइकल कैंसर की चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा, तो एक बार उनकी अच्छा बायोप्सी और पैप्समियर, हाँ जी, तो आप एक बार बायोप्सी और पैप्समियर एक बार करवा लीजिए, ताकि ये, ओके, क्योंकि एक बार अगर मेंसेस बंद हो रहे हैं और अगर फिर वो इतने साल बाद आ रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस ऑफ ये सर्वाइकल कैंसर के, तो एक बार बायोप्सी जरूर करवाइए। जी मैम, जी ओके मैम, CA125 में मैंने एडवाइस किया है और USG भी एडवाइस किया है। हाँ मैम बायोप्सी भी, हाँ वो CA125 से चलो कंफर्म हो जाएगा, एक बार बायोप्सी जरूर करवा लो, और एक बार उनका पैप स्मियर वगैरह भी, वो सारे टेस्ट हो जाएंगे ना, तो फर्दर क्लियर हो जाएगा मैम। ओके मैम, थैंक यू सर। हाँ मैम, वो असली में क्या बीमारी है वो समझ आएगा तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। सर उनको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम था सर, संधिवात का, ये तो तो उनको, संधिवात का ठीक है, हाँ भाषा बस में क्या बाकी, पैथोलॉजी हो रही है? हाँ तो उसके लिए ये चालू था, योगराज गुगुर, त्रिफला गुगुर मैं दे रही थी, तो उनको आराम था, बहुत दिनों से ले रहे वो। मैं अभी 4-5 महीने में वो वहां पर गई है, तो वहां तब से चालू है उनको, तो अभी एकदम उनको एकदम रिलीफ था, तो अभी एकदम ऐसा ही हो गया सर। ऐसा जी कुछ होगा कि इसके योगराज को कंटिन्यूअस देने से सर? हाँ होगा ना, फायदा हो जाएगा, घृत पान भी कराइए, लेकिन पहले डायग्नोसिस तो होने दीजिए, सीए ओके मार्कर okay. क्या है वो देख लेने दीजिए, यूएसजी क्या में क्या है, क्यों हो रहा है, हाँ ये सब होने दीजिए। थैंक ओके सर, थैंक यू सर। यू मैम। ठीक है, अभी हम शैलेश हेलो, भाई कुछ बोलना चाहते हैं सर। हाँ सर, पूछना था जी सर, अपेंडिक्स में इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट क्या देंगे सर? इमरजेंसी में तो हम इसमें तेल का मात्रा बस्ती देते हैं तो पेन कम हो जाता है, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं, क्योंकि अपेंडिसाइटिस है, इंफ्लेमेशन है, तो सूक्ष्म त्रिफला 2-2 गोली सुबह शाम, एकेटी अमृता गोकुल, कैशो त्रिफला गोकुल, और जो मैकबर्निस पॉइंट है वहां पे जलौका लगा दीजिए सर, अपेंडिक्स का एरिया है ना वहां पे लगाइए, और सोनोग्राफी करके देखिए वो बस्ट तो नहीं हुआ है ना अपेंडिक्स, अगर बस्ट हो गया नहीं तो सर, हाँ, तो ठीक हो जाता है सर, सूक्ष्म और त्रिफला और एकेटी से और बस्ती से ठीक हो जाता है। अगर बस्ट हो तो वहां पर क्या करते हैं सर? नहीं उसके लिए तो सर्जरी ही करना पड़ता है, नहीं तो वो पेरिटोनाइटिस और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें हमें रिस्क नहीं लेना है, उसमें सर्जरी मतलब सर्जरी, ओके सर, हाँ बस्ट हो गया रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो अंदर अंदर इन्फेक्शन इतना फैलता है, इतना फैलता है कि कंट्रोल नहीं होता, फिर सेप्टिसीमिया में पेशेंट जाएगा तो फिर वो कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। यस सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है? नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे जब हम टीका वचन करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर। जी।